हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस गेमर। तो भाई लोग, मैं आज लाइव पुशिंग करने वाला हूँ डेरियल से सोलो शोडाउन में। और बहुत कोई बोलते हैं डेरियल कोई काम का ब्रोलर नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। और मैंने डेरियल से बहुत ही ज़्यादा पुश किया है सोलो शोडाउन में, तो मैं अभी खेलने वाला हूँ सोलो शोडाउन का। मैप में देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ लेक में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना गेम प्ले। लाइव अटैक्स करने वाले हैं, 10 प्लेयर फाउंड हो जाएंगे जल्दी। तो ये अभी तो 5 प्लेयर थे, पर यहाँ 6, 7, 8, 10 प्लेयर फाउंड हो गए हैं। हम थोड़ा हाइट रख के खेलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ब्रोलर के लिए अच्छा मैप है। तो हम यहाँ एनर्जी क्यूब ले लेते हैं। यहाँ एक बो है, हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। वो अच्छा ब्रोलर है, हमें वो मार सकता है। तो हम एनर्जी क्यूब लेके निकल लेते हैं। हमारा एबिलिटी आ गया है, तो हम थोड़ा देर हाइड रहते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ एक सैली है, तो हम देखते हैं कितना हम रैंक में हम आते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड रहने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमें एनर्जी क्यूब नहीं मिला है ज़्यादा। 9 बंदे अभी भी अलाइव हैं। यहाँ शायद ग्रास में कोई हो सकता है, सामने वाले ग्रास में, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अभी तक 9 बंदे अलाइव हैं, और ये धुआं पीछे से आ रहा है, तो 8 हो गए हैं, 7। तो यहाँ हम चेक कर लेते जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें थोड़ा हाइट रख के खेलना पड़ेगा। और अभी 6 बंदे हैं अलाइव, तो देखते हैं कितना होता है हमारा रैंक। तो अभी तो 5 हैं, 5 रोलर लेफ्ट हैं हमारे पास। 1 एनर्जी क्यूब है, इसलिए हम सामने नहीं जा रहे हैं। 4, 3, 3 हो चुका है, तो हम इसे इजीली ट्रॉफी पुश कर सकते हैं हाइड रख के। और हाइड रख के ही बहुत कोई बहुत ज़्यादा पुश कर लेते हैं, तो हम यहाँ इसका बीच का फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमारा रैंक #2 आएगा, पर काफ़ी है, +6 ट्रॉफी मिल जाएंगे हमें। चलिए, हमारा रैंक #2 रहा और हमारा ट्रॉफी भी +6 हो गया। तो हम मैंने बोला था ना, हाइट रख के खेलने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम प्ले अगेन एक बार और खेल लेते हैं। 6 प्लेयर फाउंड हो चुके हैं, 7, 10। तो हम इस मैप में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्यूब ले लेते हैं, तो हम हाइट रख के उतना नहीं खेलेंगे। पर ये लॉन्ग रेंज ब्रोलर के लिए मैप है, तो हम कितना रैंक करते हैं इसमें देखते हैं। कोशिश करेंगे 1 या फिर 2 आने का, पर कितना आता है ये हमें नहीं पता। मुझे 3 एनर्जी क्यूब इजली मिल जाएंगे, 2 हो चुका है, 1 और मिल गया। और हम हाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रॉफी पुश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आज 3600 कर लेंगे शाम तक, तो देखते हैं कितना होता है अभी। यहाँ थोड़ा हाइड हो जाते हैं, यहाँ शायद घास में कोई हो सकता है, ग्रासेस में। पीछे सैली है एक, इस साइड बुल। तो हम इस सैली को थोड़ा डैमेज देके भगाने का कोशिश करेंगे। ये सैली ही हमें डैमेज दे रही है अच्छा खासा। सैली निकल दी है, तो हम थोड़ा हाइड रहते हैं जब तक कि बंदे मर ना जाएं। ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है ट्रॉफी पुश करने का जल्दी से जल्दी। यहाँ एक बुल है, 6 ब्रोलर अभी भी अलाइव हैं। तो हम निकलते हैं थोड़ा जब हमारा माइनस होने का चांस ख़त्म हो जाए। और सोलो शॉटगन में आप इजीली ट्रॉफी पुश कर सकते हैं, माइनस होने का चांसेस इसमें बहुत ही कम है। तो अभी भी 6 ब्रोलर अलाइव हैं, 3 पावर पॉइंट्स के साथ हम यहाँ ग्रास में छिपे हुए हैं।
और देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी तक तो कोई मरा या नहीं है। तो फिर इधर एक बुल आ रहा है, हम इसे डैमेज देके भगा दिए। 5 ब्रॉलर लेफ्ट, अभी भी हमें कोई मार देता है तो हमारा ट्रॉफी माइनस नहीं होगा और इजीली पुश हो जाएगा, 1 ट्रॉफी मिलेगा पर माइनस तो नहीं होगा ना। तो इससे आप इजीली ट्रॉफी पुश कर सकते हैं इस ट्रिक से। यहाँ हमें 3 ब्रॉलर लेफ्ट हैं, हम यहाँ सीधे जाते हैं। अरे यार मिस्टेक्स हो गया, अरे #3 अच्छा ही है, माइनस तो नहीं हुआ पर +4 हुआ ट्रॉफी। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा ब्रोवेल स्टार का, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस पर चाहिए वीडियो, COC, पबजी या फिर ब्रोवेल स्टार, और कोई भी गेम है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।